हाथरस की घटना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बहुत दुखद घटना है, लोगों ने असामयिक समय में अपने परिवार को खोया है। भगवान उन्हें सभी को शक्ति प्रदान करे जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। हाथरस में हुई घटना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और ऐसे में अब ये मामला सदन में भी उठा है। इसे लेकर राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की है कि जो कल हादसा हुआ उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे सत्संग और आयोजनों को लेकर कड़े नियम और कानून बनाए जाने की जरूरत है। लखनऊ में सहारा इंडिया कंपनी के कई ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। कोलकाता यूनिट ने ये कार्रवाई की है। लखनऊ कार्यालय के अधिकारी भी मौजूद हैं। ईडी की टीम जांच कर रही है। सहारा इंडिया का ये पूरा मामला कोलकाता के चिट फंड कंपनी में हुए कथित घोटाले से जुड़ा हुआ है। लखनऊ में कपूरथला के सहारा के मुख्य कार्यालय में ईडी के 60 से 70 अधिकारी जांच कर रहे हैं। हाथरस हादसे पर समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने दुख जताते हुए बीजेपी सरकार को घेरा है। सपा प्रमुख ने यूपी सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश ने सीधे सीधे कहा है कि सरकार की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर के अध्यक्ष रजत जायसवाल के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आवास के पास धरना दिया गया। फिर राहुल गांधी का पुतला जलाया गया, जिसके बाद अजय राय की पत्नी रीना रॉय कांग्रेसियों के साथ चेतगंज थाने पहुंची। पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उनके घर के बाहर जिस तरह धरना दिया गया है और पुतला फूंका गया है, इससे वो और परिवार वाले दहशत में हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस पुलिस लाइन में बैठक की है। साथ ही सीएम योगी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल पूछा, उनकी तबीयत पूछी, स्वजन और पीड़ितों से पूछा कि यह हादसा कैसे हुआ, वे कब से बाबा से जुड़े हुए हैं। सीएम ने घायलों को फलों की टोकरी भी भेंट की। हाथरस भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट से दखल की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। हाथरस के हादसे को लेकर योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह का बयान सामने आया है। भोले बाबा के बारे में पूछने पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने बड़ी बात कह दी है। मंत्री ने कहा कि बाबा इतना रसूखदार था कि पुलिस भी उसके आयोजन में भीतर नहीं जा पाती थी। भोले बाबा पूर्व में कहीं नौकरी करता था, उसे छोड़कर सत्संग करने लगा। हाथरस के साथ ही मैनपुरी, एटा, कासगंज जैसे जिलों में बाबा गरीब और शोषित लोगों को अपना अनुयायी बनाता था। बस्ती स्थित भाजपा कार्यालय पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति दिवस पर भाजपा ने विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें राज्य मंत्री और पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने उनके विचारों से कार्यकर्ताओं और लोगों को अवगत कराया। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को पूरे देश में स्मृति दिवस पखवाड़ा मना रही है। देश में दो निशान, दो प्रधान और दो विधान नहीं चलेंगे का नारा देने वाले डॉक्टर मुखर्जी की याद में देश भर में चर्चा, विचार गोष्ठी और संगोष्ठी आदि कार्यक्रम हो रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि लगातार तीसरी बार फेल हो चुके राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहला भाषण झूठ, निराशा और तथ्यहीन बातों से भरा हुआ था। भाषण के दौरान आचरण भी संसदीय गरिमा के अनुकूल नहीं था। उन्होंने कहा कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने औपचारिकता में भी एक शब्द नहीं बोला।